हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में ब्रीफ में बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में और बेसिकली जो पेंशन होती है उसके बारे में। दोस्तों देखिएगा, तीन मॉडल बेसिकली सामने आए हैं। पहला देखिएगा, एग्जैक्टली पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का है। जो पुरानी पेंशन बहाल होगी वो आंध्रा मॉडल हम बोले तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें एमपीएस और ओपीएस का हाइब्रिड मॉडल रखा जाता है और चंद स्टेट्स इसे स्वीकारने वाली हैं। आंध्र प्रदेश ने ऑलरेडी से अप्रूवल दिया है और बात चल रही है कि जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी ओपीएस और एनपीएस दोनों का हाइब्रिड मॉडल, जो कि आंध्रा मॉडल के तौर पे सामने आएगा, हाइब्रिड मॉडल के तौर पे सामने आएगा वो होगा। देखो दोस्तों, है क्या, जब हाइब्रिड मॉडल होता है उसमें होता है क्या कि जो आपका एनपीएस का रुपए कटता है उस हिसाब से रुपए कटता जाता है, उसका कॉर्पस तैयार होता है पुरानी पेंशन में सब्सिडी जैसा प्रोवाइड करने के लिए, हल्का मदद करने के लिए, तो जिससे स्टेट्स पे उतना बर्डन नहीं होता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पुरानी पेंशन की तरह लाभ भी मिलता है। देखिए दोस्तों, चंद ऐसे चर्चाएं चलती रहती हैं और काफी सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, टॉक्स होते रहते हैं, और कई बार ये भी बोला जाता है कि जो एनपीएस है, नई पेंशन योजना है, उस पे जो रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज हैं तो उनकी जो सर्विस है काफी कम रही है, और अगर उन्हीं की सर्विस लॉन्ग टर्म पे रहे, 30 से 40 साल तक रहे, तो अगर वो कंपेरेटिवली देखें तो जो पुरानी पेंशन में अगर वो फॉल होते तो उससे कहीं गुना ज्यादा उनका वो जो पेंशन कॉरपस है उनके तैयार होगा। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं लाना चाहूंगा, क्योंकि मैं पेंशन और जो एम्प्लॉयज रिलेटेड मुद्दे हैं उसमें कई बार डिस्कस किया हूँ। देखिएगा है क्या, पूरे देश भर में, चाहे भी केरला का जो कमेटी रही है उसने जो रिपोर्ट सौंपा है, जो उसने बोला है, उसने भी बोला है कि जो ओपीएस है दैट विल बी डेंजरस टू स्टेट्स जो फाइनेंशियल कंडीशन है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, एनपीएस और ओपीएस की ही डिमांड क्यों चल रही है कि हम एनपीएस में कोई अपडेशन नहीं चाहते हैं, हम बल्कि ओपीएस ही चाहते हैं, किसके पीछे की वजह क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एनपीएस में हम मानते हैं कि जो आज कॉर्पस तैयार होगा वो ओल्ड पेंशन स्कीम का, अगर आप कंपेरेटिवली देखें तो एनपीएस में कहीं ज्यादा आपको कॉर्पस देखने को मिलेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि पे कमीशन या पे स्केल आपका यही रहने वाला हो, जो हर 10 साल में आप 2006 में देखे हैं, 16 में देखे हैं, इसके बाद आने की चांसेस हैं, लेकिन डिनायल मोड पे बात चल रही है। तो अगर मान लीजिए पे कमीशन आते जाते हैं तो एक एम्प्लॉय के लाइफ टाइम में अगर वो 30 साल सर्विस करता है या फिर 20 साल ही करता है, एटलीस्ट अगर मान लीजिए कोई बहुत कम सर्विस करता है, ठीक है ना, तो अगर कोई 20 साल ही करता है तो दो कमीशन उसके ऑलरेडी आ जाते हैं और सैलरी काफी ज्यादा हाइक हो जाती है। साथ ही साथ जो उसका ईयर बाय ईयर सर्विस रहता है उस हिसाब से उसका जो लास्ट विदान सैलरी है काफी ज्यादा रहता है। जो डीएनएस अलाउंसेस मिलने वाला होता है, जो महंगाई भत्ता मिलने वाला होता है, वो उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से उस दौर की महंगाई चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। दूसरी तरफ अगर आप एनपीएस की बात करें तो एनपीएस का जो आपके ही सेविंग से, आपका ही जो मनी है उससे एक पेंशन तैयार की जाती है, और जो आप लमसम अमाउंट आप प्राप्त करते हैं उस पे भी आपको टैक्स देना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो कभी कभार बात की जाती है कि जो आप देखे होंगे कि जब आप ओपीएस में रिटायर होते हैं तो जो आपको लमसम अमाउंट मिलता है वो इस एनपीएस से कम मिलता है, ठीक है ना, ऐसी बातें आती हैं सामने। तो देखिए दोस्तों, है क्या कि जो जीपीएफ है, जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, दैट्स सिमिलर टू पीपीएफ, और उसमें होता ही प्रावधान है जैसा आपका एनपीएस का रुपए कट रहा होता है तो आपका वो आप स्वैच्छिक तौर पे बढ़वा सकते हैं या फिर कुछ कम करवा सकते हैं, जैसा भी रहता है, दैट्स इस पर रूल, तो वो आपका करता रहता है और आप जब चाहें तब आप उसे कुछ ड्यूरेशन के अंतराल में आप उसे यूज कर सकते हैं जीपीएफ का। तो जो हिमाचल गवर्नमेंट है, पुरानी पेंशन तो अभी लागू हुई है, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले कुछ साल पहले ही पिछली बार वहां पे जीपीएफ का प्रावधान हो गया था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो एनपीएस कोई पेंशन स्कीम नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का अधिकार है, हक है, और इसे समझ रहे हैं। यही वजह है कि पूरे देश भर में इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, और यह बात भी तय है और यह बात भी सही है जिसका समर्थन सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को करना चाहिए कि पुरानी पेंशन योजना या
उसका कोई अगर एनपीएस में सुधार हो के पुरानी पेंशन योजना के करीब अगर कोई योजना मिलके नहीं आती है तो कोई पेंशन प्लान रहेगा ही नहीं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए घातक होने वाला है। तो दोस्तों कोई भी अगर अपडेट होगी मैं लाता रहूंगा, एंड दिस इज ए स्मॉल इंफॉर्मेटिव वीडियो कि जो आपका एनपीएस में कॉर्पस एन लास्ट आपका तैयार होने वाला है वो ओपीएस की तुलना में कहीं स्टैंड नहीं करने वाला है। मे बी उस वक्त पे जो इन्फ्लेशन रहे तो उसे आपका एनपीएस का जो पेंशन मिलेगा जो कि स्टैटिक रहने वाला कभी बीट नहीं कर पाएगा। तो ओपीएस ही एकमात्र सोल्यूशन है, सो ओपीएस ही ओपीएस होना चाहिए। धन्यवाद।